सिंह धोनी के ड्रीम होम शौर्य में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। यहाँ अब धोनी नहीं रहते हैं। धोनी अपने परिवार के साथ सिमलिया स्थित फार्म हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। धोनी के जाने के बाद से इस घर का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। इस कारण घर में कई जगह क्रैक दिखने लगे हैं। घर के शीशों में भी दरार आ गई है। कई जगह से प्लास्टर भी झड़ चुका है। दीवारों पर काले दाग ने जगह बना ली है। धोनी का ये घर रांची के हरमू रोड स्थित बीजेपी के प्रदेश ऑफिस के पास बना हुआ है। रोड के ठीक बगल में ये आलीशान घर साल 2009 में धोनी ने राज्य सरकार से इनाम में मिली जमीन पर बड़े शौक से बनवाया था। धोनी के इस घर का जब निर्माण चल रहा था उस समय धोनी मेकान कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उस समय जब भी धोनी रांची आते थे तो एक बार अपने निर्माणाधीन घर का जायजा लेने के लिए जरूर जाते थे। इस घर के टेरिस से अक्सर धोनी और साक्षी अपने फैंस का अभिवादन करते थे। वहीं घर के बाहर धोनी के पिता पान सिंह अक्सर अपनी पोती जीवा के साथ टहलते नजर आते थे। धोनी के यहां से जाते ही उनके इस ड्रीम होम की चमक फीकी पड़ गई है। अब यहां सन्नाटा पसरा रहता है। रांची आने वाले फैंस अक्सर धोनी का घर देखने के लिए यहां रुकते हैं और फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। अब इस बंगले में सिर्फ दो गार्ड्स रहते हैं जो घर की रखवाली करते हैं। अब धोनी ने अपना नया फार्म हाउस शहर से काफी दूर बना लिया है। इस कारण वहां फैंस अक्सर नहीं पहुंच पाते। पिछले साल अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर धोनी अपने परिवार के साथ अपने नए फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे। सिमलिया में ये फार्म हाउस महल नुमा मकान है जो 7 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना हुआ है। मिलम न्यूज रिपोर्ट।